गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम है। आज फ्यूल के लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे बम कैलोरी मीटर। ये बम कैलोरी मीटर से कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, दैट मीन्स डिटरमिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बम कैलोरी मीटर। बम कैलोरी मीटर का कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन। कैलोरी मीटर क्या है? कैलोरी मीन्स हीट और मीटर मीन्स मेजर करने वाला। दैट मीन्स कैलोरी मीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द हीट। ये क्या करता है? हीट को मेजर करता है। और फ्यूल चैप्टर में हम लोगों को हीट का मेजरमेंट आवश्यक है, क्योंकि हीट के मेजरमेंट से ही हम लोग ये ज्ञात भी करेंगे कि उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। स्टार्ट करेंगे हम लोग बम कैलोरी मीटर का कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से देखेंगे इस फिगर को जो कि बोर्ड पर बनाया गया है। बम कैलोरी मीटर, दिस इज बम कैलोरी मीटर। बम कैलोरी मीटर में आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेनलेस स्टील बम। ये जो रेड पोर्शन से दिखाया गया है, दिस इज स्टेनलेस स्टील बम है। इस बम के ऊपर टाइटली सील्ड किया हुआ है लीड से। ये बम जो है ये टाइटली स्क्रूड सील्ड किया गया है इसे। अब इस बम के अंदर क्या है आप देखेंगे, ये रेड कलर से जो स्टेनलेस स्टील बम दिखाया गया है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। बम में दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, ये देखेंगे आप। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ये दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, स्पार्क प्लग है और दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर स्टील बम में ही एक ऑक्सीजन इनलेट वाल्व है, ऑक्सीजन इनलेट वाल्व। इसी ऑक्सीजन वाल्व से ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि कंबसन रिएक्शन बिना ऑक्सीजन का तो होगा नहीं। ऑक्सीजन हमको चाहिए, ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए, तभी कंबसन रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन वॉल्व लगा हुआ है। इसमें ये जो दो इलेक्ट्रोड है ये रिंग से अटैच रहता है, और ये रिंग से एक क्रूसिबल यहाँ पर अटैच दिखाया गया है, क्रूसिबल। और इसी क्रूसिबल में फ्यूल सैंपल रहता है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हमें मेजर करना है। यहाँ आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का क्रूसिबल है, और ये ब्लैक कलर से फ्यूल सैंपल दिखाया गया है। ये मैग्नीशियम वायर है यहाँ पर, इसी मैग्नीशियम वायर के सहारे यहाँ पर कंबसन होगा। अब ये स्टेनलेस स्टील बम को, स्टेनलेस स्टील बम को कॉपर कैलोरी मीटर में प्लेस्ड किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये ब्लू बाउंड्री, दिस इज द कॉपर कैलोरी मीटर। ये ब्लू बाउंड्री जो देख रहे हैं आप, दिस इज कॉपर कैलोरी मीटर। कॉपर कैलोरी मीटर में इस स्टेनलेस स्टील बम को रखा हुआ है। इस कॉपर कैलोरी मीटर में वाटर लिया गया है जिसका मास नोन है। ये कितना वाटर है ये पता है, इसका वेट नोन है। ये वाटर को कॉपर कैलोरी मीटर में रखा हुआ है, और इस कॉपर कैलोरी मीटर में ही यहाँ इलेक्ट्रिकली स्टिरर है। ये देख रहे हैं ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है, दिस इज इलेक्ट्रिकली स्टिरर। इलेक्ट्रिकली स्टिरर, इससे इस स्टिरर से हम लोग क्या करते हैं कि वाटर के टेम्परेचर को
कांस्टेंट रखते हैं। और इसी कैलोरी मीटर में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में बैकमन थर्मामीटर अरेंज किया हुआ है, बैकमन थर्मामीटर। और ये बैकमन थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को रीड करता है। इस बैकमन थर्मामीटर के हेल्प से टेम्परेचर हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पर बैकमन थर्मामीटर दिखाया गया है। अब इस कॉपर कैलोरी मीटर के बाहर आप देख रहे हैं, दिस इज एयर एंड वाटर जैकेटेड, एयर एंड वाटर जैकेटेड। ये कॉपर कैलोरी मीटर का ये वाल जो है, ये वाल ब्लू कलर का, दिस इज एडियाबेटिक, दैट मीन्स यहाँ से हीट बाहर नहीं जा सकता है, यहाँ से हीट बाहर नहीं जा सकता है। और ये स्टेनलेस स्टील बॉम्ब का जो यहाँ वाल है, ये कंडक्टिंग मीडियम का बना होता है, क्योंकि यहाँ फ्यूल के बर्न करने से, फ्यूल को जलाने से जो हीट इवॉल्व होगा, यह हीट यहाँ आएगा वाटर में रेडिएशन से, और इसी फ्यूल के जलने से जो हीट इवॉल्व होगा, इसी हीट को ये वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा हीट को, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने पहले भी टेम्परेचर इसका रीड किया है विदाउट कम्बस्शन, जब हमने फ्यूल का कम्बस्शन नहीं कराया है, उसके पहले भी वाटर का टेम्परेचर हमने नोट किया है, दैट इज द इनिशियल टेम्परेचर। और कम्बस्शन के बाद फ्यूल को जब हम लोग जला लेते हैं तो फ्यूल से हीट इवॉल्व होगा, और वो हीट क्या होगा, यहाँ से रेडिएट होगा, यहाँ से कंडक्ट होगा, और हीट के कंडक्शन से यहाँ जो वाटर रखा गया है कॉपर कैलोरीमीटर में, ये वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, उसमें से इनिशियल टेम्परेचर को हम माइनस करेंगे, तो कितना टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज हुआ ये हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये वर्क करेगा बम्ब कैलोरीमीटर, बम्ब कैलोरीमीटर कैसे ये वर्क करेगा, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, कि ये फ्यूल में जो मैग्नीशियम वायर दिख रहा है, पहले तो यहाँ कॉपर कैलोरीमीटर है, जो कॉपर कैलोरीमीटर में वाटर है, और कॉपर कैलोरीमीटर में इस बॉम्ब के रखने के पहले हम लोग इस वाटर का टेम्परेचर हम लोग नोट कर लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन वॉल्व से यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होने के बाद यहाँ क्या होगा, ये फ्यूल सिंपल जलेगा, कम्बस्शन रिएक्शन ऑक्सीजन से, यहाँ कम्बस्शन रिएक्शन होगा, और कम्बस्शन रिएक्शन के बाद हीट इवॉल्व होगा, और इस हीट को ये क्या करेगा, स्टेनलेस स्टील बॉम्ब का जो वॉल है ये यहाँ कंडक्ट करेगा, और यहाँ हीट आ जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, तब क्या होगा, हीट का, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर कम्बस्शन हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिकली स्टरर को, इलेक्ट्रिकली स्टरर को हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टरिंग करेंगे, मूव करेंगे, ताकि यहाँ से वाटर का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट हो, सभी जगह वाटर का टेम्परेचर समान हो जाए। और ये वाटर का टेम्परेचर सेम करने के लिए हम लोग स्टरर का यूज करते हैं। और जैसे ही यहाँ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, हीट का रेडिएशन होगा, तो क्या होगा, इस थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम लोग नोट कर लेंगे, दैट इज द टी टू। इनिशियल टेम्परेचर यदि टी वन है तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर टी टू हो जाएगा। इस टेम्परेचर जो इंक्रीज करेगा और इनिशियल टेम्परेचर दोनों का हम लोग निकालेंगे, इनिशियल से फाइनल में कितना डिफरेंसेज है, और वही हीट यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है इस फ्यूल के कम्बस्शन रिएक्शन से। इसको कैसे आप लिखेंगे, बम कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखेंगे,
बम कैलोरीमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। बम कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन पूछता है और कंस्ट्रक्शन के बाद कैसे आप इससे किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करेंगे उसे भी पूछता है। तो यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन, कैसे हम लोग इससे किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बम कैलोरीमीटर ये कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो बम कैलोरीमीटर इज वर्क ऑन कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल क्या है कि हीट इज लिबरेटेड इज इक्वल टू हीट इज एब्जॉर्ब। किसी फ्यूल का जब हम कंबस्शन कराते हैं तो फ्यूल के कंबस्शन से हीट इवॉल्व होगा और ये हीट इवॉल्व होता है तो सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी प्रिंसिपल पर ये बम कैलोरीमीटर वर्क करता है। आप कैसे लिखोगे कंस्ट्रक्शन को, आप कैसे लिखोगे बम कैलोरीमीटर के कंस्ट्रक्शन को आप कैसे लिखोगे? तो पहले आप यहाँ पर फिगर में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखेंगे यहाँ पर बम कैलोरीमीटर, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है बैकमैन थर्मोमीटर। दिस इज बैकमैन थर्मोमीटर, ऑक्सीजन वाल्व, 6 वोल्ट बैटरी और यहाँ देखिए दो ये इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ लीड है। ये बम कैलोरीमीटर को टाइटली स्क्रूड से इसको बंद किया गया है ताकि ये एकदम परफेक्ट सील्ड हो जाए। यहाँ पर देखेंगे आप ये कर्व जो दिखाया गया है मैग्नीशियम फ्यूज वायर, यहाँ ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है दैट इज इलेक्ट्रिकल स्टरर, ये ब्लू कलर से जो बाउंड्री दिखाया गया है दैट इज कॉपर कैलोरीमीटर, और ये रेड कलर से जो बाउंड्री दिखाया गया है दैट इज स्टेनलेस स्टील बम। यहाँ ग्रीन कलर से आप देखेंगे कैप के समान कंस्ट्रक्शन है, कैप के समान। दिस इज स्टेनलेस स्टील क्रूसिबल, इसी में फ्यूल को रखते हैं कंबस्शन रिएक्शन के लिए। और ये ब्लैक कलर का फ्यूल सैंपल है और यहाँ वाटर एंड एयर जैकेट है। ये दिखा दिया गया कि इस फिगर में जो लेबलिंग किया गया है इसमें क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं आराम से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखेंगे स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे यदि आपको लेना है तो। यहाँ हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन को कैसे लिखा जाएगा इस बम कैलोरीमीटर का। जब भी कंस्ट्रक्शन पूछेगा तो आप फिगर बना के लेबलिंग करके और आप इसका कंस्ट्रक्शन निश्चित रूप से लिखेंगे तभी आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिलिंड्रिकली स्टेनलेस स्टील बम इन विच कंबस्शन टेक प्लेस। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टेनलेस स्टील बम इन विच कंबस्शन टेक प्लेस। क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टेनलेस स्टील बम है जो रेड कलर से दिखाया गया है, इसमें कंबस्शन रिएक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट द बम हैज ए लीड विच इज स्क्रूड SCREWED स्क्रूड टू द बॉडी ऑफ द बम टू मेक परफेक्ट टाइट सील। फिर से देखेंगे वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द बम हैज ए लीड विच इज स्क्रूड टू द बॉडी ऑफ द बम टू मेक परफेक्ट टाइट सील। ये बम है इसके ऊपर एक टाइटली लीड, यहाँ ढक्कन बहुत टाइटली इसको सील्ड किया गया है ताकि यहाँ अंदर का कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाए या बाहर का कोई भी चीज़ अंदर नहीं आए। ये लिड का यही काम है कि इसको परफेक्ट एकदम टाइट सील कर देगा। थर्ड पॉइंट है द लिड हैज टू इलेक्ट्रोड्स एंड वन ऑक्सीजन इनलेट वॉल्व। क्या लिखा हुआ? द लिड हैज टू इलेक्ट्रोड्स एंड वन ऑक्सीजन इनलेट वॉल्व। यहाँ देखेंगे इस लीड से क्या निकल रहा है, देखेंगे यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड, और यहाँ एक ऑक्सीजन इनलेट वॉल्व। इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन इनलेट से ऑक्सीजन आता है कंबस्शन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे बॉम्ब इज प्लेस्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर सराउंडेड बाई एयर एंड वाटर जैकेट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट।
फिर से देखेंगे, बॉम्ब इज प्लेस्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर सराउंडेड बाय एयर एंड वाटर जैकेट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। ये कॉपर कैलोरीमीटर, ये कॉपर कैलोरीमीटर के बाहर एयर एंड वाटर जैकेट है। एयर एंड वाटर जैकेट आप देख रहे हैं, एयर जैकेट एंड वाटर जैकेट है। ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ से बिल्कुल हीट का लॉस नहीं होना है और ये लॉस ऑफ हीट को रोकता है, क्योंकि यहाँ से हीट बाहर निकल जाएगा तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट आप कैसे मेजर कर पाएंगे, तो उसमें कमी आ जाएगी। यदि कुछ हीट यहाँ निकल जाएगा तो आपका जो मेजरमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा प्रैक्टिकली। तो इसलिए यहाँ पर इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के बाहर एयर और वाटर जैकेट लगाया गया है ताकि यहाँ से हीट बाहर नहीं जाए, हीट के लॉस को रोक सके। फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिकली स्टरर इज प्लेस्ड फॉर कॉन्स्टेंट स्टरिंग एंड बैकमेंस थर्मामीटर फॉर मेजर द टेम्परेचर। फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिकली स्टरर इज प्लेस्ड फॉर कॉन्स्टेंट स्टरिंग एंड बैकमेंस थर्मामीटर मेजर द टेम्परेचर। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली स्टरर लगाया गया है इसको कॉन्स्टेंट स्टर करने के लिए, स्टरिंग के लिए, ताकि ये वाटर का जो टेम्परेचर सभी जगह समान रहे। और एक बैकमेंस थर्मोमीटर लगाया गया है इस कॉपर कैलोरीमीटर में, क्योंकि इसी थर्मोमीटर के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को रीड करते हैं, चाहे वो इनिशियल हो कम्बसन रिएक्शन के पहले या कम्बसन रिएक्शन के बाद में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन इसका ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में आप लिख भी सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।